किसी के घुटनों में दर्द हो तो सीढ़ी की जरूरत नहीं है, लिफ्ट भी है यहाँ पर, बहुत फैसिलिटी है। चलो, सैनिटाइजर भी है यहाँ पर। अच्छा, और बहुत बड़ा ऑफिस रूम है। दोस्तों क्या कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ। हेलो बंधुरा, वेलकम टू फिट बांगला। आज के सेशनटा किन्तु अन्यरकम होच्छे। आज के सेशनटा जतटुक तुम्हारा देखे थको आमार सेशनगुलो किन्तु बांगला है। आज के सेशनटा आमरा किन्तु एकटु हिंदीते करब। ताते कि हबे, ताते एकटा जिनिस हबे, तोमादेर हिंदीटा स्ट्रंग हये जाबे, तार संगे आमारो हिंदीटा एकटु स्ट्रंग हये जाबे। तो देख पा रहे हो, स्टार्ट हये गेछे किन्तु, तो देख पा रहे हो, आज हम लोग हैं हावड़ा। हावड़ा में द रेवोल्यूशन एक्टिविटीज पे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जिम है, हाई प्रोफाइल जिम है। तो पता है, आप लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए, दोनों के लिए आज ये जिम टूर और इंटरव्यू सेशन। और आज होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि यहाँ पर जो सर्टिफाइड ट्रेनर है उन लोगों के साथ हम लोग बातें करेंगे, और उन लोगों के साथ ही हम लोग देखेंगे कुछ एक्सरसाइज। तो ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इस जिम को। इतने बड़े जिम है, इस जिम को जो संभाल रही है प्रीति मैम। प्रीति मैम के साथ बात कर लेते हैं। आइए प्रीति मैम, वेलकम टू फिट बांगला। थैंक यू। तो मैम, आप पहले अपने बारे में और जिम के बारे में हमारे दोस्तों को कुछ बताइए। मैं प्रीति हूँ, मेरा नाम प्रीति सिंह है, और मैं इस जिम में पिछले 6 महीने से काम कर रही हूँ। और ये जिम बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल जिम है, और बहुत ही अच्छा भी है। और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ज़्यादा हमारे जिम में मतलब आते हैं, मतलब उनका आना जाना ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये हाई प्रोफाइल जिम है, दैट डजंट मीन कि यहाँ पे सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग ही आते हैं। आप नॉर्मल लोग भी आ सकते हैं, आप जिम देख के जाइए। बहुत मिनिमम चार्जेस है, और आके आप जिम देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे सेफ्टी के साथ, यहाँ पे एंट्रेंस आप देख सकते हो, आप एंटर करोगे सेफ्टी के साथ, ऐसा कुछ कोविड का कोई डर नहीं है यहाँ पे हमारे यहाँ पे। तो आप आइए और जिम देखिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू मैम। तो देखिए, आप लोगों सुन लिया, एकदम हाई प्रोफाइल जिम है, और वो भी मिनिमम चार्जेस पे। तो देर किस बात का है दोस्तों, आ जाओ और ज्वाइन कर लो। ज्वाइन ना भी करना हो ना तो आके एक बार देख लो। मैं तो 100% श्योर हूँ, आप लोग एक बार आओगे ना तो बगैर एडमिशन लिए नहीं जाओगे, ये तो मेरा गारंटी है। तो अंदर चलते हैं पीटी मैम के साथ, देख लेते हैं छोटा सा जिम टूर करके। इसके बाद बात और वर्कआउट सेशन तो हो गए। चलो, तो आ जाओ अंदर जाके देख लेते क्या जिम का फैसिलिटी है, क्या इक्विपमेंट्स है, ऑफिस स्ट्रक्चर क्या है, रिसेप्शन कैसा है, कैसा प्रिकॉशन मेंटेन हो रहा है। आ जाओ, तो पहले हम लोग रिसेप्शन से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं रिसेप्शन से। मैम आप बताइए। ये हमारा रिसेप्शन है, कोई भी अगर इंक्वायरी के लिए आता है तो पहले यहाँ से इंक्वायरी रूम का स्टार्ट होता है। ओके, एंड प्रिकॉशन, आ जाओ। एंड देन दिस टू आर चेंजिंग रूम, ओके, एंड वॉशरूम, ठीक है। दिस इज आवर चेंजिंग रूम एंड किचन। This is for one person. And the other one. ये दोनों ही वॉशरूम है, लेडीज एंड जेंट्स। ओके, तो यहाँ पर एक बेसिन भी है, यहाँ पर हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर साबुन है, बेसिन है, कोई भी प्रिकॉशन मेंटेन हो नहीं रहा, ऐसा जगह आपको नहीं मिलेगा। तो आ जाते हैं इस साइड पे। ओ, यहाँ पर कुछ खाने का लगा हुआ है। जैसे कि आपको पता ही है मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है ये सब डाइट फूड है। तो मैम, ये सब क्या डाइट फूड, हेल्थ फूड यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है? नहीं, हमारा आपको जैसे बताया था, हमारा रेस्टोरेंट भी है। अच्छा,
कैफीज नाम का कैफे। अच्छा, तो उसके लिए बस। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर ये सब डिलीशियस फूड मिल रहा है। एग्जैक्टली, क्या हेल्दी फूड बात है, यहाँ पर इतना डिलीशियस हेल्दी फूड मिल रहा है, तो हम लोग को भी एक बार जाना चाहिए। जाएंगे हम लोग बहुत जल्दी। चलिए यहाँ पर देख लेते, कॉफ़ी भी है, तो हम लोगों को तो पता ही है जैसे कॉफ़ी कितना हेल्दी है हम लोगों का हेल्थ के लिए। ठीक है, तो आ जा देख लेते एक बार ऑफिस। ओके, तो ये है वो जगह जहाँ से फिटनेस का शुरुआत होता है। तो अभी उस साइड पे नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ओके, तो अगर किसी के घुटनों में दर्द हो तो सीढ़ी की जरूरत नहीं है, लिफ्ट भी है यहाँ पर, बहुत फैसिलिटी है। चलो, सैनिटाइजर भी है यहाँ पर। अच्छा, और बहुत बड़ा ऑफिस रूम है। दोस्तों क्या कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ। अच्छा, भगवान जी यहाँ विराज कर रहे, आइए देख लीजिए। और ये है ऑफिस रूम, आ जाओ। या मैं तो बैठ जाता हूँ, आप लोग खुद ही देख लो, और प्रीति मैम तो है। तो देखा आपने, ऑफिस रूम भी टोटली क्लीन है, परफेक्ट है, और एकदम प्रॉपर ऑर्डर पे है। तो देख के ही पता चल रहा है जिम कितना ऑर्डर पे होगा और जिम कितना परफेक्ट होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज है, सैनिटाइजिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, और जहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपको कैश लाने की जरूरत नहीं है, गूगल पे और फोन पे भी अवेलेबल है। तो ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं जिम के अंदर। चलो, तो ऑफिस रूम, रिसेप्शन, चेंजिंग रूम, वॉशरूम सब हो गया, अभी जा रहे हैं हम लोग जिम के अंदर। और हाँ, हर कोई आके यहाँ पर नहीं आ सकता और भीड़ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर है हर मेंबर के लिए बायोमेट्रिक। तो फिलहाल मेरा तो मेट्रिक काम नहीं करेगा, तो प्रीति मैम चलिए आइए देख लेते हैं जिम का अंदर। Thank you.
तो अभी तक हम लोगों ने देखा जिम के अंदर, और मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, ठीक है। पर बाकी जो डिटेल्स है वो सर से एक बार जान लेते हैं, ठीक है। चलिए सर, वेलकम टू फिट बांग्ला। तो सर के मुंह से जान लेते हैं सर का जो जिम है, जिम के बारे में, और ये जिम बनाने के पीछे सर का जो स्ट्रगल है वो। सर, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल। ये जिम हम लोगों ने 2016 मई में तीन दोस्तों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन उस समय नोटबंदी आया 2016 में, तो दो फ्रेंड्स मेरा साथ छोड़ के चले गए। इसी साल भी अफसोस है कि वो दोनों मेरे साथ नहीं है इस बिज़नेस में, लेकिन इस बिज़नेस में उन्होंने ही मुझे, मेरे को कोई भी हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने ही मुझे प्रमोट किया कि वी विल स्टार्ट दिस बिज़नेस। तो हम लोगों ने उसके साथ मिलकर शुरू किया, वो छोड़ के चले गए, और मैं इस बिज़नेस में परमानेंटली सेटल हो गया। तो इस बिज़नेस सेटल करने के बाद में फिर हम लोग ने अपना पहले आपका विवेक विहार फेज 3 में हमारा एक ब्रांच हुआ करता था ये, लेकिन अभी कोविड की वजह से वी हैव शिफ्टेड टू फोशर। और इस बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगा कि आज हमारे कहने से अगर 100 में से एक आदमी भी अपने आप को बदल ले, ये सेटिस्फाइड डेफिनेटली। कारण क्योंकि हर कोई इंसान कोई ना कोई चीज़ के लालच के साथ बिलोंग टच में रहता है, हर कोई उस चीज़ को अपने आप में अपना नहीं सकता है, और अच्छी बात बहुत कम अपनाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 100-100 में से एक भी चेंज हो जाए, ये वेरी मच हैप्पी। तो सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपके जिम में ये क्या प्लस पॉइंट है कि बाकी जिम छोड़ के आपके जिम में मेंबर आए? देखिए, मेरे यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मेरे यहाँ पर लेडीज क्राउड ज़्यादा है सबसे पहले, और लेडीज क्राउड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि अनुराग अग्रवाल, मेरी वाइफ क्षमा अग्रवाल, मेरी मदर अंजू देवी अग्रवाल, तीनों यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, तो इस वजह से लेडीज लोग भी कंफर्टेबल रहती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो दे कैन कॉन्टैक्ट टू माई वाइफ और माई मदर। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर अगर किसी की भी फैमिली मेम्बर्स में कोई भी बंदा कोई भी जिम कर रहा है, लेकिन अगर उनकी घर की लेडीज़ को करना है तो वो सब मेरे ही जिम को प्रमोट करते हैं। अच्छा, तो इससे मतलब एक तो हाइजीन अब मेरे जिम में बहुत मेंटेन किया जाता है, क्लिनलीनेस आप देख ही चुके हैं, प्लस जो लेडीज़ लोग आती है दे आर कम्फर्टेबल विद एवरी मेम्बर एंड स्टाफ मेम्बर्स प्लस मेरे साथ या मेरी वाइफ के साथ, दे आर वेरी कम्फर्टेबल। मेरे यहाँ पर अगर 5 साल का बच्चा भी अगर आ रहा है, क्योंकि मेरा एक्टिविटी सेंटर भी है, तो 5 साल का बच्चा भी आ रहा है, इज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर 70 या 75 साल का बूढ़ा आदमी भी आ रहा है, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो 5 साल का बच्चा भी अगर आ रहा है तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को बाद में बताता है, पहले मेरे को बताता है, मतलब बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। और जो फैमिली मेम्बर्स या उनके फैमिली मेम्बर्स जब भी आते हैं तो उनके साथ एक ऐसा रिलेशन बन जाता है कि वो मेरे को छोड़ के नहीं जाता और मैं उनको नहीं छोड़ता। फिटनेस के जैसे फिटनेस होता है कि लॉन्ग टाइम रहता है, तो ये रिलेशन भी आपके साथ लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टाइम रिलेशन, और उसी पे हम लोग पूरा एकदम पूरा हमारी टीम उसी को वर्क करती है। तो यहाँ पर आपका तो इतना बड़ा जिम है, इतने मेंबर हैं यहाँ पर, तो सब मेंबरों को आप ध्यान दे पाते? ये तो अब जैसे कोई मेंबर अभी आ जाएगा तो मैं आपसे उनसे बात करवा सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल यही कोशिश रहता है कि जितने भी मेंबर हैं वो मेरे साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली इंटैक्ट कर सकते। तो मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जिम में नहीं है, मैम और आपकी जो माता जी है वो नहीं आ पाए, तो उस टाइम पे लेडीज लोगों के लिए सेफ्टी क्या है? सेफ्टी उस समय एनी टाइम प्रीति इज अवेलेबल ओवर हियर। अच्छा, तो अगर कोई भी लेडीज को प्रॉब्लम होता है प्रीति पूरा टेक केयर करती है। उसके बाद शाहबाज सर है, सैफ सर है, विकास सर है, तीनों जन पूरी बहुत तरीके से उनसे बात करते हैं, सारा कुछ सारा सोल्यूशन किया जाता है उनका, प्लस हमारा जो मेरा जो बंदा है सुब्रत दा, मतलब इज ऑल इन वन। अच्छा, तो मतलब अगर वो है तो मेरे को टेंशन है ही नहीं। अगर कोई ट्रेनर भी नहीं है या प्रीति भी नहीं है, अगर वो बंदा यहाँ अवेलेबल है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ही इज अ फुल ऑल इन वन मैन, एकदम बोला जा सकता है कि वन मैन आर्मी। यस सर, वो अभी आ भी रहे हैं। सुब्रत दा, अच्छा आइए। तो चलिए सुब्रत सर आ गए, सुब्रत सर से बात कर लेते हैं। आइए सर। तो ये है हम लोगों का सुब्रत सर। सर, वेलकम टू फिट बांग्ला। तो सर, अभी तो सर आपके बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोगों को दोस्तों भी तो पता है आपके बारे में, तो आप अपने मुंह से थोड़ा सा हम लोगों के दोस्तों को बोल दीजिए ये जिम के बारे में। अब जिस लैंग्वेज पे कंफर्टेबल है, बंगाली, हिंदी,
जिस लैंग्वेज पे और जितना आपको हो सके। सुझो तो सर थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस है, ठीक है, तो हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, कैमरे की तरफ देखने की जरूरत है। अब बोलिए। ঠিক আছে, তো জানতেই পারলাম সুব্রত স্যারের ব্যাপারে, আর সুব্রত স্যারের সঙ্গে দেখাও হলো, কথাও হলো। তো সুব্রত স্যারকে আর সুব্রত স্যারের বেশি টাইম ওয়েস্ট করব না, ঠিক আছে, তো আমরা চলে যাচ্ছি স্যারের কাছে, তো বাকি কথা স্যারের সঙ্গে বলে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ সুব্রত স্যার, টাইম দেওয়ার জন্য। তো বাকি কথা স্যারের সাথে। हम लोग बेसिकली वाइफ शी इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, ओके, और हम लोग एक हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर चार से पांच कपल होते हैं सो वी विल ऑर्गेनाइज अ स्मॉल प्रोग्राम, जैसे डायबिटिक के ऊपर में, चाइल्ड हेल्थ के ऊपर में, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर में, डिजीज का, तो उसमें स्पेसिफिक हम लोग बताते हैं हार्ट डिजीज के बारे में, तो स्पेसिफिक बताते हैं किस तरह से आपको ये आ रहा है और इससे आप कैसे आपको क्योर करना है। अच्छा अच्छा, क्योर एंड प्रिवेंशन दोनों बताया जाता है, उसके बाद सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कितना उसको अमल करते हैं। एकदम, तो आपकी तरफ से गाइड कर रहे हो, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। फॉलो तो वो करेंगे, फॉलो तो हम उनको पकड़ के करा नहीं सकते, हाँ। लेकिन अगर वो लोग फॉलो करेंगे तो दे विल गेट गुड रिजल्ट्स। अच्छा, तो सर मैं क्या जान सकता हूँ आपके यहाँ पर जो भी मेंबर आ रहा है, ठीक है, तो उनका आप शुरू में ही एडमिशन लेके जिम स्टार्ट करवा रहे हो क्या, कुछ मेंटेन करके, कुछ बॉडी मेजरमेंट, कुछ एक बार तो सर यहाँ पर जितने भी मेंबर आ रहे हैं वो आके एडमिशन लेके जिम स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ प्रोसेस है क्या? प्रोसेस है उसका, अगर कोई भी मेंबर आता है तो हम लोग का जितने भी ट्रेनर्स हैं सबसे पहले उनका फिटनेस असेसमेंट करते हैं। कैसे? फिटनेस असेसमेंट किस तरह से होता है देख लेते हैं एक बार। हमारे यहाँ पर जब भी कोई भी मेंबर आता है तो सबसे पहले हम लोग ये फिटनेस असेसमेंट करते हैं, जिससे हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि हमारा जो क्लाइंट है उसका अभी बॉडी स्ट्रक्चर में क्या, किस पोजीशन पे है, कितना उनके ऊपर में, मतलब क्या बोलते हैं, स्टिफनेस है या ये सब जो पूरा चेक किया जाता है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है। हाँ, प्रेजेंट कंडीशन के बाद में ही हम लोग उसका डिजाइन करते हैं कि क्या एक्सरसाइज उनको कराना है। अच्छा, तो एक बार दिखा दीजिए। ये हमारा ये फिटनेस असेसमेंट फॉर्म है, उसके बाद हम लोग करते हैं इसको बोलते हैं बॉडी एनालिसिस। अच्छा, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, इसमें हम लोग उनका पूरा बॉडी का एक मेजरमेंट होता है, जैसे BMI हो गया, वेट सरकमस्टेंसेस, वेस्ट सरकमस्टेंसेस, हिप सरकमस्टेंसेस, WHR, उसके बाद टोटल बॉडी फैट, विसरल फैट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये विसरल फैट, क्योंकि लोगों को अभी तक यही नहीं मालूम कि विसरल फैट होता क्या है। अच्छा, विसरल फैट बेसिकली होता है ऑर्गन्स के ऊपर में फैट, और अगर आपके ऑर्गन्स के ऊपर में फैट आ जाएगा तो आपको जो विटामिन और मिनरल्स का रिक्वायरमेंट है ऑर्गन्स को, वो मिलेगा कैसे? अच्छा, सिंपल, अगर वहाँ से फैट हटेगा तभी आपको ऑर्गन्स मिलेगा, और बेसिकली विसरल फैट जो है वो 1:9 का रेशियो, 1:9 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अभी तक मैंने बेसिकली जितने भी लोगों का विसरल फैट किया है वो मोर देन 14-15 इसी के ऊपर रहते हैं, तो इसको सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंटली इसी को अपने को कंट्रोल में लेके आना। अच्छा, उसके बाद हम लोग करते हैं सब्सटेंशियस फैट, जो कि आपका होल बॉडी हो गया, बैड फैट जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, और स्केलेटन मसल फिर हम लोग इंक्रीज करते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, दैट इज गुड फैट। ओके, और उसके बाद जैसे जैसे उसका रिक्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से उनको न्यूट्रिशंस को भी सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशंस के बिना आपका अगर परफेक्ट फूडिंग नहीं है और आप सोचते हैं कि आप फिट हो जाएंगे तो दैट इज इम्पॉसिबल, तो न्यूट्रिशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हम लोग सजेस्ट करते हैं न्यूट्रिशंस, बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं, हम और हमारे ट्रेनर्स एक ही चीज़ कोशिश करते हैं कि जो न्यूट्रिशंस हम लोग प्रोवाइड करें वो नेचुरल हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। अच्छा, और मार्केट में आज के डेट में जो भी ब्रांड बिक रहा है मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो है। बेसिकली वी सजेस्ट ओनली न्यूट्रलाइट ब्रांड दैट इज फ्रॉम एमवे, और उसके बाद दैट डिपेंड्स ऑन आवर क्लाइंट्स कि उनको लेना है कि नहीं लेना है।
हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि उनको खरीदना है. अच्छा. जस्ट वी सजेस्ट दैम ओनली सिंगल ब्रांड दैट इज एम्बियन न्यूट्रोलाइट. उसके बाद हम लोग करते हैं उनका बॉडी मेजरमेंट. अच्छा. बॉडी मेजरमेंट में जो कार्ड है हमारा उसमें वो अपना सारा गोल्स सारा कुछ वो अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं. हेल्थ इश्यूज जो भी है उनका वो भी वो लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं और जो हेल्थ इश्यूज होता है उसी हिसाब से उनका एक्सरसाइज को भी हम लोग डिजाइन करते हैं. अच्छा. अगर किसी को सीवियर कुछ प्रॉब्लम है जैसे बैक पेन है या अभी हमारे यहाँ पर एक केस आया था जिनका बैक का दो हड्डी रीढ़ की हड्डी के दो क्या बोलते हैं उसको सर आपका घसक गया था. अच्छा. एंड वी हेल्प देम आउट और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला एंड नाउ दे आर रेगुलर कस्टमर्स इन आवर जिम. तो बेसिकली हम लोग उसी हिसाब से उनको कर रहे हैं कि उनको हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन दे. अच्छा. तो मतलब कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है, अभी वर्कआउट करने के एक महीने बाद उनका क्या रिजल्ट आ रहा है आपको भी पता है और जो क्लाइंट है उनको भी पता है. अच्छा. और अगर उसमें उनको रिजल्ट नहीं मिलता देन वी विल चेंज आवर एक्सरसाइजेस. जो भी है हमारे ट्रेनर्स एक्सरसाइज को चेंज करते हैं प्लस उनका डाइट चार्ट भी चेंज होता है. ओके. ये तो रहा है और उससे बड़ी बात मैंने जो देखा है यहाँ पर हर दीवार पे सीसीटीवी लगा हुआ है तो सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रिकॉशन मेंटेन किया हुआ है. तो जो भी आना चाह रहे हो लेडीज जेंट्स आँख बंद करके आ जाओ. तो ठीक है सर, हम लोग अभी चलते हैं जिम की तरफ और आपका जो ट्रेनर है उन लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं और थोड़ा सा वर्कआउट सेशन देख लेते हैं क्योंकि हम लोगों का बहुत सारे व्यूअर्स है जिन लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है फिजिकल. नो प्रॉब्लम, वी विल हेल्प. थैंक यू सर.